नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज का वीडियो उन सभी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। जी हाँ, नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो लोग वेट कर रहे थे और इंटरव्यू का भी, उसी कड़ी का यह आठवां वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा तीन डिपार्टमेंट के आए हुए नोटिफिकेशन की, क्योंकि नेहरू यूनिवर्सिटी का वीडियो नंबर 7 आपने देखा होगा, जिसमें मैंने आपको तीन डिपार्टमेंट के विषय में बताया था, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी और ऑर्डिनेंस के विषय में। ठीक है, आज भी मैं आपसे तीन विषय की बात करूंगा, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी डिपार्टमेंट। जी हाँ, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी डिपार्टमेंट के लिए इन तीनों डिपार्टमेंट की अलग अलग इन्फॉर्मेशन आई है। कुछ डिपार्टमेंट में एंट्रेंस, किसी में इंटरव्यू और किसी में आ चुका है रिजल्ट पीएचडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। ठीक है, उन सभी की आपसे बातचीत करूंगा। तीनों में से जिसका भी संबंध जिस डिपार्टमेंट से हो, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। समस्याएं और सवाल होने पर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के नोटिफिकेशन को लेकर। 24 फरवरी को आया है ये नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 स्टूडेंट्स का हुआ है सिलेक्शन पीएचडी के लिए। लेकिन यदि 8 मार्च 2021 तक ये दोनों बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो इनके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाए। और समय सुन लीजिए, सुबह 11 बजे का। यदि सिलेक्टेड कैंडिडेट 8 मार्च सुबह 11 बजे तक अपना एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो उनकी जगह पर 2 अन्य विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा पीएचडी इन बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए। और जिन 2 विद्यार्थियों का नाम वेटिंग लिस्ट में है, उनकी भी लिस्ट आई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा, मिल जाएगा। अगली चीज़ हम बात करते हैं, इसी नोटिफिकेशन में आपको जो एडमिशन लेना है जाके, वह ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ऑफलाइन प्रोसेस है सब कुछ। डिपार्टमेंट ऑफ बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चे खासकर ध्यान दें, जिनका चयन हुआ है पीएचडी के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट जाइएगा, डिपार्टमेंट में ही सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, वहीं यूनिवर्सिटी के बैंक में आपकी फ़ीस भी जमा होगी और आपको एडमिशन ले लेना है 8 मार्च 2021 सुबह 11 बजे तक, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी इन बायो मेडिकल साइंस में। अब चलते हैं अगले नोटिफिकेशन की। अगला नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, और इस नोटिफिकेशन की बात करूंगा आपसे हिंदी डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो नोटिफिकेशन आया है पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए, 12 मार्च 2021 दोपहर 12 बजे का समय है। ये किस चीज़ के लिए है मैं आपको बताऊंगा आगे। 12 मार्च 2021 दोपहर 12 बजे का समय है, रूम नंबर 302। हाँ, रूम नंबर 302, साइंस क्लस्टर क्लासरूम नेहू, जो कैंपस है वहाँ का, नेहू यूनिवर्सिटी का सेंट्रल लाइब्रेरी के नज़दीक में है, वहाँ आपको जाना है और आपको देनी है अपनी प्रवेश परीक्षा। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को जिन्होंने अप्लाई किया है पीएचडी के लिए नेहू यूनिवर्सिटी में, उनका इस टाइम, इस समय और वेन्यू पर होना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस रहेगा आपका रिसर्च मेथोलॉजी को लेकर, आपके सब्जेक्ट को लेकर 100 क्वेश्चन आपसे करे जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोविड की गाइडलाइंस का बिल्कुल पालन करते हुए जाइएगा। और नोटिफिकेशन जो आया है उसी में ये जानकारी भी है कि 8 सीटें हैं इस बात का, 8 सीटें हैं जो अभी खाली हैं इस डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल साइंस में। यानी कि आपको 8 सीटों के लिए चैलेंज करना है, सीटों की बढ़ोतरी या घटोतरी डिपार्टमेंट के हाथों में है, ऐसा भी नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आपने अप्लाई किया है पीएचडी के लिए और आपका एमए में 55% नंबर नहीं है, जर्नल और ओबीसी बच्चों के लिए और कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 50% नहीं है, और बेशक आपका नाम एंट्रेंस के लिस्ट में आया है, तो आप मत जाइएगा एंट्रेंस देने के लिए, आपको वहाँ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और एंट्रेंस देने का मौका भी प्राप्त नहीं होगा। तो यानी कि 55% विदाउट कैटेगरी और 50% विद कैटेगरी के बच्चे यदि आप हैं तो एंट्रेंस देने जरूर जाइए। और इस कैटेगरी में, यानी कि इस एंट्रेंस के लिए पॉलिटिकल साइंस इन पीएचडी में नेहरू यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी संख्या है 163। यानी कि 163 बच्चे बुलाए गए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, और एंट्रेंस के तुरंत बाद ही, या कहें कि अगले दिन भी आपका इंटरव्यू होगा, ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन मान के चलिए 1 से 2 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बच्चे खासकर ध्यान दें। और एक बात मैं एक्स्ट्रा बता दूं कि जब भी बच्चा एंट्रेंस देने के लिए जाएगा नेहू कैंपस में, याद रखिएगा एंट्रेंस इंटरव्यू में 1 से
3 दिन का फ़र्क होगा, यानी कि 3 से 5 दिन की तैयारी करके नेहू यूनिवर्सिटी में जाइएगा एंट्रेंस इंटरव्यू के लिए। अपने गर्म कपड़े लेकर जाइएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा, सभी एडमिट कार्ड, सभी एप्लीकेशन फॉर्म साथ लेकर जाइएगा। जरूरी दस्तावेज इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत हो गई आपको समझाने की बात, क्या लेकर जाना है क्या लेकर नहीं जाना है। आप सुनते भी हैं समझते भी हैं, कुछ लोग ना सुनते हैं ना समझते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब चलते हैं तीसरे नोटिफिकेशन पर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के बच्चों के लिए। और याद रखिएगा नेहू की जो ये परीक्षाएं हो रही हैं ये 21 और 22 के सेशन के लिए नहीं है, ये 20 और 21 के सेशन की परीक्षाएं हैं, जो कि लेट हो गई थी क्योंकि नवंबर में ये परीक्षाएं होनी थी और दिसंबर में आपके इंटरव्यू होने थे, लेकिन कोविड और पैंडेमिक की वजह से और राजनीतिक उथल पुथल की वजह से बहुत ज़्यादा सेशन लेट हो गया है उन्हीं का यह है। क्योंकि पिछले वीडियोज़ में या वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 4 में कमेंट आए थे कि नेहू यूनिवर्सिटी में नए सत्र के फॉर्म कभी निकलेंगे, अभी पुराने सत्र की प्रवेश प्रक्रियाओं एडमिशन को पूरा होने दीजिए, उसके बाद ही फॉर्म निकलेगा। और मैं सूचना अग्रिम दे दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू, बीएचयू और ये नेहू और हैदराबाद के फॉर्म फिर से जल्दी आने वाले हैं, अप्रैल और मई के महीने में आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेगा, यानी कि 3 से 4 महीने आपके पास नेट की तैयारी के लिए भी हैं, पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी हैं। इन 4 महीने में दोनों की अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप और क्वालिफाई भी कर सकते हैं, एडमिशन भी होगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के बच्चे अब खासकर ध्यान दें, उन सभी की प्रवेश परीक्षाएँ होनी हैं जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। प्रवेश परीक्षा की जो डेट है वह है 10 मार्च 2021 है। और अपना जो एप्लीकेशन नंबर है जिसे हम फॉर्म नंबर बोलते हैं उसको लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, अपने नाम की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, अपना जेंडर और आप किस राज्य से है, क्योंकि जो लिस्ट आई है उसमें एप्लीकेशन नंबर मेंशन है, आपका नाम मेंशन है, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर और आप किस राज्य से आपने अप्लाई किया है। ये सभी चीज़ें सही हैं तो देख लीजिएगा, और यदि कोई चीज़ मिस्टेक है तो डिपार्टमेंट को एक ईमेल भेज दीजिएगा कि ये लिस्ट आई है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें ये कमियां हैं, कि ताकि जब आपका एडमिट कार्ड आपको वहाँ मिले तो कोई कमी ना हो और आपको भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आपका ज़रूरी बात है समझ लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के बच्चे जिन्होंने डिपार्टमेंट हिंदी में जिन्होंने अप्लाई किया है नेहू यूनिवर्सिटी में, कि 10 मार्च सुबह 11 बजे आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है, तो आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, हिंदी विभाग में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने साथ अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ, हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे हों या पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के बच्चे हों, दोनों ही बच्चे याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अपना एक फ़ोटो पहचान पत्र जिसमें आपकी फ़ोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ये तीनों चीज़ों मैच करनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट से, ठीक है। आप DL लेकर जाइए, पेन कार्ड लेकर जाइए, आधार कार्ड लेकर जाइए, वोटर कार्ड लेकर जाइए, पासपोर्ट लेकर जाइए, बैंक की लेकर जाइए, जो कुछ भी लेकर जाना है जाइए, लेकिन ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और अपना यदि आप कैटेगरी से संबंध रखते हैं, EWS हैं, OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं, SC हैं, ST हैं, PH हैं, जो भी हैं, उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल फ़ोटो कापी साथ लेकर जाइएगा, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसको भी साथ लेकर जाइएगा, आपका जो एडमिट कार्ड जब आएगा उसको भी प्रिंट आउट लेकर साथ लेकर जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाएंगे उनकी फ़ोटो कापी ज़रूर करवा के ले जाइएगा। कक्षा 10 से लेकर MA, MPhil या NET जो भी है उसके सभी डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है और आप उसको ले जाने में असमर्थ हैं या है ही नहीं आपके पास फोटोकॉपी, तो इसकी सूचना अग्रिम में विश्वविद्यालय और हिंदी विभाग को ज़रूर भेज दीजिएगा ईमेल के माध्यम से। ऐसा ना हो कि ऑन द स्पॉट आप ये हवाला दें कि हम ये डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाए, हम पे नहीं थे, उस कंडीशन में ऐसा ना हो कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए एग्ज़ाम से या इंटरव्यू से। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हों, चाहे हिंदी के बच्चे हों, सोशोलॉजी के बच्चे हों, हिस्ट्री के बच्चे हों, बायोमेडिकल साइंस इंजीनियरिंग के बच्चे हों, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस भी डिपार्टमेंट के विषय में मैंने आपको बताया है इस वीडियो में या पूर्व के कहीं वीडियो में, ठीक है, तो नेहू यूनिवर्सिटी में इन 3 डिपार्टमेंट की सूचना आई थी, डिपार्टमेंट ऑफ PhD बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड PhD के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की और डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के PhD के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से अपने दिमाग से परीक्षाओं में पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए और जो सूचनाएं मैंने आपको दी है उसको लेकर कोई सवाल हो तो मुझसे कर लीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल कैटेगरी निशान को क्लिक कर दीजिए और कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करके कमेंट छोड़ के चले जाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा एक और यूनिवर्सिटी के आए हुए PhD के प्रवेश परीक्षाओं के विषय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम।